कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या दूध चढ़ाना जरूरी है शंकर पर? कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या दही चढ़ाना जरूरी है शंकर पर? शहद चढ़ाना जरूरी है? घृत चढ़ाना जरूरी है? शकर चढ़ाना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है पांच चीजें शंकर भगवान पर चढ़ती है, दूध अर्थात घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता है इसलिए चढ़ाया जाता है, दही शंकर भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है, जिसके परिवार में क्लेश ज्यादा होता है, जिसके परिवार का परिवार में आपस में तकरार ज्यादा होता है उसको दही जोड़ता है। शहद घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति को समाप्त करता है, घी रोग को समाप्त करता है, शक्कर मिष्ठान घर में यदि लक्ष्मी आकर जा रही हो तो मिष्ठान समर्पित किया जाता है, इसलिए पंचामृत स्नान का भाव शिव महापुराण कहते हैं, पंचामृत स्नान भगवान इसलिए पांच चीजें शंकर को समर्पित हैं, दूध दही घृत शहद शक्कर अर्थात मिष्ठान। शक्कर से मूलतः यहां शिव महापुराण में शक्कर नहीं लिखी है, है? मिष्ठान। अब लोग शक्कर पीस कर अभिषेक करते हैं परंतु मिष्ठान अर्थात गाय के दूध से निर्मित कोई मिठाई, और उस मिठाई से भगवान शंकर का अभिषेक। अब लोग भले शक्कर रखने लगे शंकर जी के अभिषेक में, पर यहां शक्कर नहीं लिखा है, यहां मिष्ठान। हमारे यहां सहज भाषा में कहते थे उसको खांड अर्थात मीठा। शिव महापुराण की कथा कहती है दर्पण इतना बड़ा ले लो, बंदर वाला अगर दर्पण वाली नहीं तो इतना बड़ा दर्पण लो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, क्योंकि हनुमान शंकर का ही अवतार है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के उल्टे पांव का थोड़ा सा सिंदूर, चरण का थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में लेकर आ जाइए, और हनुमान जी के छोटे भाई, हनुमान जी छह भाई हैं उसमें गतिमान, हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लो, और गतिमान का नाम लेकर उस दर्पण पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो, सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस दर्पण को घर के बाहर, दर्पण का मुख बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर मुख कर दर्पण को घर के बाहर या दरवाजे पर बिल्डिंग पर ऊपर जाली में फ्रंट में कहीं पर भी उसको लगा दीजिए। महाराज केवल शंकर का स्मरण कर गतिमान का नाम लेकर हनुमान के उल्टे पांव का सिंदूर का त्रिशूल बनाकर जो दर्पण को लगा देता है, आपको एक महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं उस महीने का अंदाजा लगाना कि घर में लोग कितने बीमार पड़ते थे और इस दर्पण को लगाने के बाद बीमारी कम हुई कि नहीं। नहीं हो कम तो ठंडा कर देना, क्या जा रहा है, पर करके जरूर देखना, विश्वास रखकर करोगे, भगवान शिव का अनुमोदन कर भगवान शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो बीमारी घेर नहीं सकती। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव का निवेदन करने वाला, शिव अर्चना में डूबने वाला, शिव का अनुमोदन करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जितना जल प्रिय नहीं, शंकर को जितना बेल प्रिय नहीं, शंकर को जितना शमी प्रिय नहीं, शंकर को जितना दूध दही प्रिय नहीं, शंकर को अगर कुछ प्रिय है तो सत्य प्रिय है, सत्यम शिवम सुंदर। इसीलिए हमारे यहां शास्त्र कहता है ब्रह्मा जी केतकी के फूल को लेकर आए उसने झूठ बोला, ब्रह्मा जी गाय को लेकर आए शंकर भगवान के सम्मुख में झूठ बोला, ब्रह्मा स्वयं झूठ बोले तो सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, और शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को सत्य प्रिय है अगर झूठ बोला है। इसीलिए शिव महापुराण का स्पष्टीकरण किया जाए, वर्णन किया जाए, तो पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय में पंचायत नहीं हो सकती थी, पहले के समय में कोई सभाएं नहीं होती थी, पहले के समय में कोई निर्णायक मंडल नहीं होता था, पहले के समय में केवल एक निर्णय होता था, गांव के लोग ले जाकर शंकर के मंदिर में खड़ा कर देते थे और कहते थे उठा गंगा जली, और कहते तुमने ऐसा नहीं किया, गंगा जली उठाकर कह दे कि तूने ऐसा नहीं करा। क्यों गंगा जली उठवाते थे? क्योंकि लोगों ने शिव महापुराण सुन रखी थी। शिव महापुराण में श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि शंकर के मंदिर में, शंकर के ओतले पर, शंकर के मंदिर के अंदर, शिव की चौखट पर, शंकर के अनुमोदन में, शिव महापुराण के अंतर्गत शंकर के अनुमोदन में
शिव मंदिर में शिव चौखट पर अगर कोई भूल से भी झूठ बोल देता है तो उसकी जिंदगी नरक जैसी निकलती है महाराज। इसलिए कहते तो उठा गंगा जली और कह दे तुम्हें ऐसा नहीं, उठा बोल दे। आपके भी जीवन में अगर किसी को कष्ट है, फिर निवेदन करूंगा, मंदिर में अगरबत्ती भले मत लगाओ, मंदिर में दीप भले मत जलाओ, मंदिर में पेड़ा भले मत चढ़ाओ। अगर आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके नजदीक में अगर कोई दुखी है, कष्ट में है, उसको यदि प्रेम की वाणी भी बोल ली है, एक रोटी भी प्रेम की खिला दी, किसी के चेहरे पर स्माइल ला दी, तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर है सब। मंदिर में दीप जलाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बेलपत्र भगवान माता पार्वती के अश्रु से है, रुद्राक्ष भगवान शंकर के अश्रु से है, शमी पत्र उमा और महेश्वर भगवान शंकर के विग्रह के सुख से जो जल प्रकट हुआ है, उस जल से शमी की उत्पत्ति है महाराज। दोनों के मिलन से, दोनों के मिलन से सब्सक्राइब करें। जैसे एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, आपको पहले भी कथा में कहा, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। सभी रुद्राक्ष का अपना अपना एक मंत्र होता है, अपनी अपनी एक साधना होती है जिसके अनुसार रुद्राक्ष काम करता है। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है, कभी मौका मिले तो एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करना। पर एक मुखी रुद्राक्ष जितना छोटे से छोटा होता है, जितना छोटे से छोटा होता है उतना सुख दे। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है, कार्य सिद्धि के लिए होता है। कोई भिखारी से भिखारी, गरीबड़े से गरीबड़ा भी अगर धारण कर ले, उसके घर में एक मुखी रुद्राक्ष अगर प्रवेश कर जाए तो सुख का अनुभव करा देता है, संपदा का अनुभव कराता है, सरस्वती का भाव प्रकट करता है, वैभव का भाव देता है। एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हीम नमः, ओम हीम नमः, ये लक्ष्मी के लिए होता है महाराज। दो मुखी रुद्राक्ष बांधा को हरता है, कोई तकलीफ आ रही है, कोई प्रशासनिक कार्य है, कोई काम नहीं हो रहा, फाइल आगे नहीं बढ़ रही, बहुत तकलीफ आ रही है, तो दो मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है उसका कार्य सफल होता है। दो मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम नमः। दो मुखी रुद्राक्ष का शिव महापुराण में जो मंत्र दिया है ओम नमः, विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत शिव महापुराण में रुद्राक्ष के 14 मुखी रुद्राक्ष के मंत्र दिए हुए हैं। आप शिव महापुराण नहीं पढ़ सकते तो मंत्र लिख लें, दो मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए होता है, कैसा भी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति हो, जिसको विद्या में रुचि ना हो, पढ़ ही नहीं पा रहा हो, चित्त वृत्ति ही ना लग रही हो, मन ही ना लग रहा हो, परसेंट कम से कम होते जा रहे हो, 3 मुखी रुद्राक्ष उस बच्चे के गले में लाल धागे में डाल दीजिए। नहीं डाल सकते तो बच्चे के कमरे में जहां वो पढ़ता है, विद्या अध्ययन करता है, उसके कमरे में लगा दीजिए। 3 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम श्री शिवाय।